ये पाकिस्तान का पहला ओपन सोर्स एसोसिएटेड RISC-V बेस्ड प्रोसेसर होगा जो कि बेसिकली टेप आउट होने के बाद आएगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवरऑल वर्ल्ड वाइड $5 बिलियन की पाकिस्तान का पहला प्रोसेसर बनाने के लिए और उसमें हम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गए। अब दुनिया में देखते हैं बहुत सारी जंगें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं जिसमें लोगों के रडार बंद हो जाते हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं, आपको नहीं पता वो कैसे बंद हो जाते हैं। वर्ल्ड में जो है ना वो हम ओपन सोर्स सिस्टम पे काम करें तो ओपन सोर्स RISC-V आर्किटेक्चर है जो कि रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है दुनिया में। और इस सिलसिले में हमारे जो कंप्यूटर साइंस के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान का पहला प्रोसेसर बनाने के लिए और उसमें हम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गए हैं। इस वक्त जो दो ओपन सोर्स एसओसी सिस्टम ऑन चिप बेसिकली क्या होता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, वो माइक्रो प्रोसेसर जो आपके एसीज में, माइक्रोवेव में और बहुत सारी जगह पे लगे होते हैं, इस तरह की एक स्पेसिफिकेशन, एक ऐसा एसओसी हमारे बच्चों ने जनरेट किया, हमारी पूरी टीम ने जनरेट किया और वो बेसिकली गूगल से फंडेड हुआ। तो हमने बेसिकली 40 ओपन सोर्स डिज़ाइन थे, उसमें से हमारे दो डिज़ाइन जो हमारे अपने बच्चों ने यहाँ पे डिज़ाइन किए थे और वो गूगल में शॉर्टलिस्ट हुए। तो अभी वो ये काम चल रहा है, ऑलरेडी गूगल के पास वो चले जा चुके हैं और इंशाल्लाह ताला अप्रैल में या मई में वो होके आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो माइक्रोप्रोसेसर चिप बन के आ जाएंगी। और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये पाकिस्तान का पहला ओपन सोर्स एसोसिएटेड RISC-V बेस्ड प्रोसेसर होगा जो कि बेसिकली टेप आउट होने के बाद आएगा। हमने RISC-V का जो पहला प्रोसेसर बनाया है उसका नाम बुराक है और उसके दो पार्ट्स हैं, इब्तिदा और गाजी। बुराक प्रोसेसर के जो एप्लीकेशंस हैं वो IoT पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मशीन लर्निंग के लिए, AI के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज हमने इसके अंदर मशीन लर्निंग के कुछ एक्सेलेटर्स भी लगाए हैं, हार्डवेयर एक्सेलेटर जो कि इन काम को फास्ट करते हैं, मशीन लर्निंग और AI को फास्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जनरली आप देखें कि जो प्रोसेसर आते हैं वो इंटेल के या क्वालकॉम के, इस तरह के कंपनीज़ के प्रोसेसर होते हैं और वो खुद ओन करती हैं कंपनीज अपना वो सोर्स कोड या अपनी जो भी IC की जो कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह, वो कॉन्फिडेंशियल लगती हैं, आमतौर पे लोगों को नहीं बताती ताकि दूसरी कोई कंपनी बना नहीं सके। लेकिन ये RISC-V आर्किटेक्चर ये ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है और ये लॉन्च करने का मकसद यही है कि हर कोई जो भी स्किल सेट रखता है वो अपना प्रोसेसर बना सके, अपना प्रोसेसर डेवलप कर सके। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी दूसरे कंट्री की चिप या प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक होके उस कंट्री तक पहुँच रही है, लेकिन अगर आपका प्रोसेसर अपना होगा तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि इसमें क्या लूप होल्स हैं और चीज़ें कहाँ से बाहर निकल सकती हैं, कहाँ से नहीं निकल सकती। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर आमतौर पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जर्नल जो HEC से अप्रूव करिकुलम है सिर्फ उसी पर प्रिपेयर कर रही होती हैं। ये एक हमारा अपना इनिशिएटिव है जो MERL का है, जिसमें हम बच्चों को एक उस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं जिसकी अभी आने वाले कुछ सालों में बहुत एक्सट्रीम नीड आएगी और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। पाकिस्तान में अभी एज सच आपको शायद नज़र नहीं आए, सुनने में नहीं आए, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जॉब्स अभी से ठीक ठाक जॉब्स हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवरऑल वर्ल्ड वाइड $5 बिलियन की इंडस्ट्री है, राइट, और पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है वह है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन पर। जब तक एकेडमिया अपना काम अदा नहीं करेगा और ऐसे ह्यूमन रिसोर्स नहीं प्रोड्यूस करेगा कि इंडस्ट्री यहाँ आने पे मजबूर हो जाए, तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री कहती है पाकिस्तान में हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि हमारे पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं, और एकेडमिया कहता है कि हम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं, राइट। तो हम चाह ये रहे हैं कि हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें और बाहर की जो कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं,
वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके काम करें, और ऐसा होना शुरू हो गया मर्ल के आने के बाद। मर्ल लैब ने RISC-V के ऊपर काम स्टार्ट किया 2019 के अंदर, और RISC-V की अवेयरनेस के लिए ये मैंने देखा कि RISC-V की अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से कम प्लेटफॉर्म थे, सो उसके लिए एक RISC-V का एम्बेसडर होना लाजमी था कि ताकि वो RISC-V को पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट कर सके कि वट इज़ RISC-V, RISC-V है क्या और RISC-V की ज़रूरत क्यों है। सो इसी लिहाज RISC-V एम्बेसडर बनने के बाद मैंने कुछ वेबिनार्स अटेंड किए, कुछ वेबिनार्स दिए लोगों को, RISC-V की अवेयरनेस क्रिएट की कि जिससे लोगों का रुझान इस टेक्नोलॉजी की तरफ आए। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि जब जितने ज़्यादा हमारे ग्रेजुएट्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, RISC-V टेक्नोलॉजी को, उनकी जॉब्स जो हैं वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख इनके करीब इनकी जॉब्स लगेगी मार्केट में है उनकी जॉब्स। सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास एडमिशन जो बच्चे लेते हैं जो आते हैं उनके लिए है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो मर्ल के साथ हमारे इंगेज होके, और जो इंटरनेशनल कोलेब्रेशन ऑलरेडी हो रही हैं, जैसे कि हमने जो ताइवान सेमीकंडक्टर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ रिसेंटली UIT ने एक MOU साइन करा है जिसमें हम मिल के माइक्रो प्रोसेसर्स पर काम करेंगे। तो ये वो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, या इसके अलावा जो इन्वेंटर हैं श्री डॉक्टर यूनुस ली, उनसे ऑलरेडी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनसे कनेक्शन में हैं, उनके साथ जो भी उनकी प्रोग्रेस होती है, जो अगर कोई फॉर एग्जांपल हर्डल स्पेस होती है तो उनके साथ शेयर करते हैं, फिर वो वहाँ से सोल्यूशन बच्चों को बताते हैं, गाइड करते हैं। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मर्ल का जो विजन है वो ये है कि एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। तो हमारा मकसद इसी के लिए है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स सेमीकंडक्टर की हम प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे बच्चे जो जैसे ग्रेजुएट करें तो वो इस काबिल हों कि वो चिप डिज़ाइन कर सकें, वो SOC पे काम कर सकें, वो वेरिफिकेशन कर सकें और बहुत सारी चीज़ें कर सकें। तो जब दुनिया में लोग देखते हैं कि ये पाकिस्तान में इस तरह का काम हो रहा है, बच्चे टेप आउट्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री अपनी पाकिस्तान में लाना शुरू करता है, उससे होता है क्या, ज़र मुबादला आना शुरू होता है। एडमिशन अभी हमारे अभी फ़िलहाल जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, 17th February हमारी लास्ट डेट है एडमिशन की, और एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हमारा बड़ा सिंपल सा होता है कि 60% आपकी इंटरमीडिएट में होनी चाहिए परसेंटेज, और अगर ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको IBCC की क्लियरेंसी लेके, इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट का NED का टेस्ट क्लियर है तो वो उसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकता है, और कोई हमारे टेस्ट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकता है।